हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं Realme 6 और Realme 6 Pro की, जो कि भारत में 5 मार्च को लॉन्च होने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। Realme अगले महीने दो नए फोन लॉन्च करने जा रही है, जिनके नाम Realme 6 और Realme 6 Pro होंगे। इसके जानकारी कंपनी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए साझा की है। कंपनी ने ट्विटर हैंडल के जरिए बताया कि Realme 6 और Realme 6 Pro स्मार्टफोन 5 मार्च को दोपहर 12:30 बजे लॉन्च होंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में कंपनी ने वाटरमार्क के साथ Realme 6 का एक कैमरा सैंपल शेयर किया था, जिसमें बताया गया था कि इस स्मार्टफोन में AID क्वाड कैमरा दिया गया है। Realme की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी मिली है कि इसमें 4 सेंसर में एक प्राइमरी लेंस, अल्ट्रा वाइड लेंस, टेलीफोटो लेंस और मैक्रो लेंस होगा। स्मार्टफोन में 20x जूम मिलेगा। सेल्फी के लिए स्मार्टफोन के फ्रंट में इन डिस्प्ले कैमरा भी दिया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर की। Realme के ट्विटर हैंडल से कंपनी ने घोषणा की है कि सलमान खान Realme मोबाइल्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। Realme ने 64 मेगापिक्सल प्रो कैमरा और प्रो डिस्प्ले को टैगलाइन के रूप में इस्तेमाल किया है। Realme 6 और Realme 6 Pro दोनों ही स्मार्टफोन रियर में 64 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आ सकते हैं। हाल ही में Realme 6 Pro का एक बॉक्स लीक हुआ था। बॉक्स पर लिखा है कि Realme 6 5 कैमरे पेंटा लेंस के साथ आएगा, यानी कि यह Realme का पहला 5 कैमरे वाला फ़ोन हो सकता है। इससे पहले Realme ने 4 कैमरे वाले फ़ोन ही लॉन्च किए हैं। कहा गया है कि यह फ़ोन स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर पर काम करेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार Realme 6 का बजट यानी कि इसकी कीमत लगभग 10,000 हो सकती है। इसके अलावा फोन के लाइव इमेज भी सामने आए हैं, जिसे देखकर लगता है कि इसमें पंच होल डिस्प्ले के साथ स्लिम बेजल दिए गए हैं। पिछले दिनों Realme 6 का रिटेल बॉक्स लीक हुआ था, जिसके मुताबिक इसे स्नैपड्रैगन 710 चिपसेट पर पेश किया जाएगा और इसे पेंटा कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि फोन के फीचर से जुड़ी अन्य कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। Randy.